नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार में सियासी नूरा कुश्ती चल रही है और वजह है उपचुनाव। उपचुनाव सर पर आ गए हैं, इसको लेकर के तिथि भी जो है घोषित हो गई है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके बाद सभी दल जो है अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का जो है चर्चा कर रहे हैं, नाम का खुलासा कर रहे हैं, नामांकन लोग भर रहे हैं। 8 तारीख को नामांकन की आखिरी तिथि है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार के या फिर जितने गठबंधन हैं, उन्होंने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी है। वहां से जो जीत दिला सकते हैं ऐसे मंत्रियों को, ऐसे बड़े विजन चेहरे वाले जो है नेताओं को भेजा जा रहा है ताकि जीत सुनिश्चित हो जाए। इस कड़ी में बात करें तो एनडीए ने अपने प्रत्याशियों को, अपने मंत्रियों को भेजा है वहां पर। जैसे कि एनडीए की ओर से मुकेश सहनी जी और संजय झा जी को ये दायित्व दिया गया है। नीतीश कुमार जी की ओर से, बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से, कि आप जाएं कुशेश्वर स्थान के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण करें। लेकिन आपको बता दें कि इस उपचुनाव में सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि महागठबंधन जो है वो बिखर गया। महागठबंधन का गांठ खुल गया है, कांग्रेस अलग हो गई है, राजद अलग हो गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए मुश्किल कम नहीं हो रही है। जैसे ही कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस में हुई थी, उस समय कांग्रेस ये मान कर चल रही थी कि अब कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, कांग्रेस जो है रिट्रैक कर लेगी, एक रिवाइव कर लेगी, फिर से कांग्रेस नए अवतार में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस नए अवतार में दिखे, लेकिन पहले जो लोग थे साथ में थे उनसे कांग्रेस की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान की सीट पर दावा ठोका, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और उनकी पार्टी राजद ने कांग्रेस के दावा वाले सीट यानी कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा पर अपने कैंडिडेट को टिकट दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने भी आनन फानन में विचार करके दिल्ली में मीटिंग के बाद जो है, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से अलग होकर के, इतर होकर के, राजद से इतर होकर के, उन्होंने अपने कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों विधानसभा के लिए फाइनल कर दिए। कल उसकी विधिवत घोषणा भी हो गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस ने इधर फाइनल किया टिकट, इसके साथ ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत के रूप में तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी के लिए चुनावी जनसभा करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी, स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद लालू प्रसाद यादव जी भी आ रहे हैं, यानी कि राजद के लिए क्षेत्र रक्षण करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी भी खड़े रहेंगे मैदान में। वही अब कांग्रेस के लिए इस बात की मुसीबत है कि वो कैसे, ये कांग्रेस का एक दायित्व है कि कैसे अपने प्रत्याशी को वे जो इस चुनावी समर है उससे पार लगाते हैं। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पप्पू यादव ने भी कांग्रेस के लिए मुसीबत जो है खड़ी कर दी। आपको बता दें खबर यह आ रही थी कि पप्पू यादव जी और कांग्रेस का विलय हो सकता है, पप्पू यादव जी की पूरी पार्टी कांग्रेस में समा सकती है और पप्पू यादव जी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है इस बार उपचुनाव में। लेकिन इस संभावनाओं पर ब्रेक तब लग गया जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद पप्पू यादव जी ने भी एक कड़ा एक्शन लिया और पप्पू यादव ने अपने एक प्रत्याशी को, अपने पार्टी जाप से एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया और योगी जी नाम है उनका, योगी जी को जो है उन्होंने टिकट दे दिया आपको कुशेश्वर स्थान से, यानी कि वही कुशेश्वर स्थान जिसको लेकर के कांग्रेस शुरू से दावा ठोकती रही है। उस कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस के लिए पहले तेजस्वी यादव मुसीबत थे। देखिए, सबसे पहले मुसीबत की बात करें तो एनडीए दल जो है पूरा सत्ता पक्ष वो मुसीबत था, इसके बाद एनडीए के प्रत्याशी मुसीबत है, इसके बाद तेजस्वी यादव मुसीबत है, इसके बाद अगर बात करें तो चिराग पासवान पहले कह चुके हैं कि उतर रहे हैं, वो मुसीबत है। लेकिन पप्पू यादव जी से उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव जी ने भी अपने कुशेश्वर स्थान के सीट पर जो अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। हालांकि पप्पू यादव जी की पार्टी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गुंजाइश से जो है अभी बची हुई है, अगर तारापुर में कांग्रेस अपना फैसला वापस लेती है, सोचती है तारापुर के लिए, तो अब हम भी जो है सोचेंगे कुशेश्वर स्थान के लिए, गुंजाइश से बची हुई है। बातचीत के लिए पप्पू यादव जी दिल्ली में मौजूद है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।